सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे जो बहुत सारे स्कूटर्स में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, होंडा की, मेजरली होंडा की स्कूटर्स पे प्रॉब्लम आ रही है जिनमें अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि स्कूटर में आपको स्टील रिम्स ही मिलेंगे, अलॉय वाले मैंने वेरिएंट नहीं खरीदा था, तो ये स्टील रिम्स ही हैं। तो इसमें आपको स्टील के रिम्स मिलते हैं, इनकी क्वालिटी मैं आप लोग को बता रहा हूँ काफ़ी ख़राब है और डिग्रेड हो गई है। साल जितने साल स्कूटर्स नहीं आ रही, उनकी क्वालिटी ख़राब हो गई है। क्योंकि जो मेरे पीछे वाले टायर को आप लोग देखेंगे, तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा नोटिस में आए तो यहाँ पे थोड़ा सा रिम में बेंड है एक तरफ, यहाँ रिम देखिए इवन है। अभी एक सरफेस ऐसा आएगा कि यहाँ अनइवन हो जाएगी रिम मेरी, ये सरफेस है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा बेंड है। तो ये जो यहाँ की पूरी ग्रिप थी ना, ये पूरी खुल गई थी। और ये थोड़े स्कूटी पे 100 मतलब 150 या 180 केजी का वेट होगा, उससे ज़्यादा का नहीं। एंड उसकी वजह से स्कूटी में इस ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई सामने, और मेरी पूरी टायर की हवा भी निकल गई। और एक छोटा सा पॉट होल था तो उस पर 2 पिलियंस हम लोग जा रहे थे, तो मेरी स्पीड 40 के आसपास थी, और उसके बाद मैंने चलाया और ये रिम बेंड हो गया। लोग ने मेरी वीडियोस देखी होंगे, मेरे पास एक एक्टिवा 125 है होंडा की, तो वो मैंने परचेज़ की थी लास्ट ईयर अक्टूबर में। उसको अभी परचेज़ किए 1 ईयर ही हुआ है। उसके पहले मेरे पास एक एक्टिवा, फर्स्ट जनरेशन वाली एक्टिवा भी रही है मेरे पास, तो उसमें भी स्टील रिम्स वाली थी, वो भी, उसमें तो एलॉय आते ही नहीं थे, उसमें भी स्टील रिम्स आते थे। वो हमने मतलब उस पर मैंने इतना मतलब 8 to 7 ईयर्स वो यूज्ड थी वो स्कूटर, बट उसके रिम में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं रिपोर्ट हुई मेरे। मैंने कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रिपोर्ट की उसके रिम में कि कहीं से बेंड आया हो उसके रिम में, चाहे कहीं से एयर लीक की हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ उस स्कूटर में। और इस स्कूटर को बाय करने के बाद जैसे मैं चलाता था वैसे ही मैं चला रहा हूँ स्कूटर, तो स्कूटी पे लगभग 180 का वेट था जो सिचुएशन थी। एंड मैं जा रहा था 40 की स्पीड पे, एंड एक स्पीड ब्रेकर आया तो मैंने थोड़ा स्पीड स्लो भी किया, 30 के आसपास में उस ब्रेकर से निकाला मैंने स्कूटर को। और पता नहीं उस वक्त स्कूटर में वही रिम का जो आपका क्रीज होती है साइड वाली, जिससे एयर रुकी रहती है, जिस पे टायर फिट रहता है, तो ट्यूबलेस टायर आते हैं मेरे स्कूटर्स में, एक्टिवा में, आजकल सारे स्कूटर में तो ट्यूबलेस टायर्स ही आते हैं। तो वो क्या हुआ, जैसे ही उस पर वो लगा, हिट किया उसने ब्रेकर ने, वो रिम जो है वो बेंड हो गया, वो रिम ऐसे खुल गया और वहाँ से पूरी एयर लीक कर गई। थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ पूरी हवा निकल गई है, फिर मैं सर्विस सेंटर लेके जाता हूँ स्कूटी, क्योंकि मैं पहले एयर रिफिल करवा ली थी तो वो फिर से हवा निकल जा रही थी। तो मैंने फिर देखा कि थोड़ा सा बेंड भी है, तो मैं सर्विस सेंटर लेके गया, तो उन्होंने कहा ये रिम तो अब सही नहीं होगा, ये मतलब उन्होंने, उनके जो वर्कर था उसी ने मुझसे कहा कि ये रिम अब सही नहीं हो सकता है पूरी तरीके से, इसमें कोई काम भी नहीं कर सकते हम, आपको इसको चेंज करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये कैसा रिम है आप लोगों का, मतलब स्टील रिम्स में इतनी मतलब छोटी सी पॉट होल पे अगर वो बेंड हो जा रहा है तब तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई, या तो कोई इशू है उसके साथ तभी ऐसे हो रहा है। क्योंकि एक और वीडियो मैंने यूट्यूब पे, कई ऐसे वीडियोस देखे और कई यूट्यूब चैनल्स ने भी वीडियो बनाए हैं जो कि होंडा की स्कूटर से रिलेटेड है स्पेशली, क्योंकि होंडा की स्कूटर्स में स्टील रिम्स आते हैं, तो स्टील रिम्स वाले वेरियंट्स में ही ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये व्हील्स जो हैं बेंड हो जा रहे हैं, और यही सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको एयर लीकेज मिलेगा टायर में, जब बेंड हो जाएगा एक बार वो फिर सही नहीं हो रहे रिम्स। मैंने तो एक वर्कर से सही करवाया, थोड़ा अब एयर लीकेज कम हो गई, मतलब थोड़ी है अभी भी, मतलब वो नेग्लिजिबल है, बट मेरा टायर अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हो पाया है। उन्होंने मुझे रिप्लेसमेंट करने ही बोला है टायर का, अब मैं रिप्लेस करूँगा तो उसका भी एक वीडियो बना दूंगा कि कितनी कॉस्ट पड़ी, बट मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है रिप्लेस करने का टायर, मैं सोच रहा हूँ उसमें ट्यूब डलवाने की। बट ये प्रॉब्लम आ रही है स्कूटर्स में, इसके ऊपर कई वीडियोस यूट्यूब पे बन भी चुके हैं, और कई अच्छे चैनल्स ने भी इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं, और स्पेशली होंडा के स्कूटर्स के साथ ही प्रॉब्लम आ रही है। तो होंडा भी सबसे ज़्यादा स्कूटर्स बेच रहा है मार्केट में, तो होंडा को की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको ये चेक करें, और ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है स्कूटर में
उसको ये सॉर्ट आउट करें, जो कि स्टील रिम्स के साथ आ रही है, इनके पुराने स्टील रिम्स के साथ नहीं आती थी, अभी नए स्टील रिम के साथ आ रही है प्रॉब्लम। एंड अलॉय व्हील के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम कोट नहीं की गई है। तो मेरा सजेशन आप लोग तब तक यही रहेगा कि अगर आप लोग स्कूटी खरीदने वाले हैं, होंडा की चाहे कोई भी स्कूटी खरीदने वाले, मैं कंपनी पे नहीं जा रहा अभी, लेकिन अगर आप स्कूटर खरीद रहे हैं तो प्रेफर करें कि अलॉय व्हील्स वाली स्कूटर खरीदें, ना कि स्टील रिम्स वाली। कुछ ही 1,000 रुपये का आपको डिफरेंस मिलेगा अलॉय व्हील वाली में, बट वो मुझे लगता है एक ज़्यादा परफेक्ट बाय होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें आपको बाद में प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी। एंड वो व्हील्स मुझे स्टील रिम्स के बजाय ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इस वक्त टाइम पे, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक कोट नहीं की गई है। स्टील रिम्स बेंड हो जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अब आपको स्टील रिम्स वाली स्कूटर नहीं लेनी चाहिए। हर स्कूटर में आजकल एलॉय के ऑप्शंस हैं, और कई स्कूटर्स में तो केवल एलॉय के ऑप्शंस हैं, जैसे टीवीएस जुपिटर आप देख सकते हैं, उसमें केवल एलॉय के ऑप्शंस हैं, उसमें स्टील रिम्स आते ही नहीं किसी वेरियंट में। तो अगर आपको एलॉय का ऑप्शन मिल रहा है तो आप एलॉय व्हील वाली स्कूटर लीजिए। तो ये मेरा इस वीडियो का मैसेज है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कोई होंडा वाला अगर इस वीडियो को देख रहा है, होंडा का कोई एग्जीक्यूटिव, कोई वर्कर, कोई कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय देख रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप चेक करिए एंड कोट करिए कि कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस टायर्स को लेके। तो इसको आप लोग जल्द, उसमें भी स्टील रिम्स थे लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट इसी वाले में प्रॉब्लम आई, वो भी नई स्कूटर में। इसका मतलब क्वालिटी से कोई इशू है या कोई डिग्रेडेशन हुआ है क्वालिटी में, तभी आपके स्टील जो रिम है वो बैंड हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिसलाइक करिएगा, अगर कोई कुछ गलत लगा वीडियो में तो डिसलाइक करिएगा। एंड कैसा लगा, क्या क्या आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है अपनी स्कूटर में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझको कि कौन सी स्कूटर में ऐसी और मेरे जैसी प्रॉब्लम आपको भी आई है, तो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेलमेट पहनी, सीट बेल्ट पहनी, एंड सेफ चलिए। गुड बाय।